जब एक नागिन का गुस्सा पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव गनपुर पर कहर बनकर टूटा और इस सच्ची घटना को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, प्राचीन काल से ही यह प्रचलित है कि एक ऐसा नाग होता है जो कि इच्छाधारी होता है, अर्थात जो किसी का भी रूप धारण कर सकता है। भारतीय सिनेमा में भी कई फिल्में इसके ऊपर बनाई गई हैं, जिसमें यह दिखाया जाता है कि इच्छाधारी नागिन कैसे पवित्र नागमणि की रक्षा करती है और अपने दुश्मनों से बदला लेती है। इस घटना की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल के गनपुर गाँव में, जहाँ पर विनोद नाम का एक व्यक्ति रहता था। विनोद बहुत ही गरीब इंसान था। उसके पास कुछ गायें थी और कुछ बकरियां थी। वह उन्हें चराता और उनका दूध बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक बार उसने अपने छोटे भाई को गाय चराने के लिए भेजा, परंतु जब वह गाय चराने के बाद वापस लौटा तो विनोद ने देखा कि उसमें से एक गाय कम है, शायद वह जंगल में ही कहीं रह गई होगी। उसके बाद विनोद ने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं उस जंगल में गाय को ढूंढ कर लाता हूँ। जब गाय को ढूंढते विनोद बीच जंगल में पहुँच गया, तब उसने देखा कि पेड़ के सामने बहुत ही चमकीली चीज चमक रही है। उसने सोचा कि वह जरूर कोई कीमती हीरा होगा। उसने जैसे एक लकड़ी उठाई और लकड़ी से चमकीली चीज को हिलाने लगा, परंतु उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह चमकीली चीज इच्छाधारी नागिन की नागमणि थी। उसे लकड़ी से थोड़ा हिलाने के बावजूद जब चमकीली चीज बाहर नहीं आई, तो उसने दो चार बार लकड़ी से उस पे वार कर दिया, जिसकी वजह से इच्छाधारी नाग के सर पर चोट लग गई और वह उस समय ही मर गया। जब विनोद को यह समझ आया कि यह तो नागमणि है और उसने एक इच्छाधारी नाग को भी मार दिया है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बहुत ही ज्यादा डर गया। उसने उस नाग को हिलाकर देखा, क्या वह सच में मर गया है? वह वाकई में मर चुका था। विनोद ने उस नागमणि को अपनी जेब में डाला और भागकर अपने घर की ओर आ गया। उसने अपने घर में किसी को भी यह नागमणि के बारे में नहीं बताया। उसने हाथ में उस नागमणि को लिया और एक इच्छा जाहिर की कि मेरी जो गाय जंगल में खो गई है वह तुरंत ही वापस आ जाए, और अगले ही पल वह गाय उसके दरवाजे पर आ चुकी थी। ऐसे में विनोद बहुत ही खुश हो रहा था, मानो उसकी जिंदगी पूरी बदल गई हो। परंतु दूसरी ओर इच्छाधारी नागिन ने नाग को मरा हुआ देखा तो वह गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने अपनी नाग की आंखों में उस कातिल का चेहरा देख लिया। दरअसल विनोद ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी कि उसने इच्छाधारी नाग को वहां पर जलाया नहीं, वह उसे ऐसे ही वहीं पर छोड़कर आ गया। उसकी यही नादानी उसकी बहुत बड़ी बर्बादी का कारण बनने वाली थी। धीरे धीरे विनोद ने नागमणि की सहायता से सारे सुख हासिल कर लिए और बड़े ही ऐशो आराम से वह अपनी जिंदगी जीने लगा। और इधर इच्छाधारी नागिन अपनी नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत तड़प रही थी, परंतु जब विनोद के पास नागमणि थी तब तक वह उसे नहीं मार सकती थी, इसलिए उसने अपना रूप बदलकर एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप बनाया और वह विनोद के गांव में आ गई। नागमणि होने के कारण विनोद बड़ा ही पैसे वाला इंसान बन चुका था। तो विनोद एक दिन काम से दूसरे गांव जा रहा था, तभी वह इच्छाधारी नागिन एक सुंदर कन्या का रूप धारण कर उसके रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब विनोद ने उसे रोने का कारण पूछा तो स्त्री के वेश में उस नागिन ने कहा, मेरा नाम कविता है, मैं अपने पति के साथ पास के गांव में ही रहती हूँ, परंतु कल रात से वह अन्य स्त्री के साथ शादी करके आ गया है और मुझे मारपीट कर घर से निकाल दिया है। अब मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। विनोद को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से विनोद बहुत आकर्षित हुआ। वह उसे अपने साथ घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और विनोद में दोस्ती शुरू हो गई और दोस्ती इतनी गहरी हो चली कि विनोद को पता ही नहीं चला कि वह कब उस स्त्री के प्यार में फंस चुका है। एक दिन विनोद और कविता घूमने गए और एक जगह कविता ने विनोद से पूछा कि तुम्हारे गले में यह क्या चमक रहा है? तो विनोद ने उसे कहा कि यह तो एक मामूली सा ताबीज है। वही नागमणि विनोद ने ताबीज के रूप में अपने गले में धारण कर रखा था। फिर उस लड़की ने कहा, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए इसे दे सकते हो? मैं इसे पहनना चाहती हूँ। परंतु यह बात सुनकर विनोद बहुत चिढ़ गया और गुस्से में उस लड़की को बोला कि मैं तुम्हें इसको नहीं दे सकता, इसके अलावा मुझसे जो मांगना चाहती हो मांग सकती हो। उसके बाद इच्छा रूपी उस लड़की ने विनोद से कहा कि तुम तो पहले बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, परंतु मैंने एक छोटी सी चमकीली चीज क्या मांग ली, तुम उसे ही मुझे नहीं दे पा रहे हो।
तो उसके बाद विनोद ने कहा ठीक है, परंतु कुछ ही देर में पहनकर मुझसे वापस कर देना। और विनोद ने उस चमकीली चीज को निकाल के उस लड़की के हाथ में दे दी। और जैसे ही नागमणि इच्छाधारी नागिन के हाथ में आई, उसका स्वरूप भयंकर और विशाल हो गया, जिसे देखकर विनोद कांपने लगा और इच्छाधारी नागिन ने उसे डस डस कर मार डाला और अपने नाग की हत्या का बदला पूरा किया। दोस्तों, आप भी ध्यान रखिएगा कि हमें जाने अनजाने में किसी भी नाग नागिन को नहीं मारना चाहिए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत भयंकर होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर देना। धन्यवाद दोस्तों।